नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे एक बिजनेस की टैक्स ऑडिट की लिमिट्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जिसका असेसमेंट ईयर है 2024-25, यानी कि किस कंडीशन के अंदर आपको अपनी बिजनेस की टैक्स ऑडिट करवानी कंपलसरी है और किस कंडीशन के अंदर आप टैक्स ऑडिट की करवाने से बच सकते हो। और इसके साथ साथ अपने डिस्कस करेंगे भी टैक्स ऑडिट होता क्या है और इनकम टैक्स के अंदर 44AB सेक्शन क्या है, 44AD क्या है, 44ADA क्या है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी टैक्स ऑडिट होता क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम चलते हैं भी इसकी जो टैक्स ऑडिट की जो लाइबिलिटी है वो किन किन के ऊपर बनती है और किस कंडीशन में बनती है। तो सबसे पहले टैक्स ऑडिट होता क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारी बिजनेस की पूरे साल के दौरान, यानी कि अभी जो हमारा सेशन चल रहा है 2023-24, यानी कि हमने 1 अप्रैल 2023 से लेके और 31 मार्च 2024 तक हमारी बिजनेस के अंदर हमने जब भी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करी है, इवन परचेज, सेल, पेमेंट्स, रिसिप्ट्स, जितने भी हमारी बिजनेस की एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों की एंट्रीज हैं, इनकम की हमने एंट्री करी है, हमने कॉन्ट्रा वाउचर बैंक की ट्रांजेक्शन्स करी होगी, जर्नल वाउचर एंट्रियाँ भी हमने करी होगी, तो इन सभी ट्रांजेक्शन को जो सीए लोग हैं वो अच्छी तरीके से चेक करेंगे भी आपने परचेज की एंट्री करी है तो प्रॉपर उसके ऊपर जितना भी जीएसटी टैक्स बनता है वो सही है या नहीं है, आपने सेल करी है तो उस सेल के ऊपर आपने प्रॉपर सही परसेंटेज के साथ टैक्स की कैलकुलेशन लगाई है, आपने जितने भी लोगों को पेमेंट्स करी है वो पेमेंट्स इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग सही करी है, आपने कैश ट्रांजेक्शन कितनी करी है, लिमिट से ज़्यादा तो नहीं करी, रिसिप्ट आपके पास कोई लिमिट से ज़्यादा तो नहीं आई है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, आपने जितने भी खर्चों की एंट्रियाँ करी है वो खर्चों की एंट्री प्रॉपर लिमिट्स में करी है, चाहे वो आपने कैश में करी हो चाहे वो आपने बैंकिंग के थ्रू करी हो, ऐसा कोई भी खर्चा जिसके ऊपर TDS काटने की लायबिलिटी आपकी बनती थी तो वहाँ पर आपने TDS डिडक्ट किया या नहीं किया हो, जितने भी हमारी गवर्नमेंट के टैक्स की लायबिलिटी बनती हैं, इवन GST है, TDS है, TCS है, तो ये हमने टैक्स ऑडिट करवाने से पहले पहले पे कर दिया या नहीं कर दिया, तो यानी कि इस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर CA लोग है जो चेक करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं टैक्स ऑडिट। उसके बाद में CA अपने टैक्स ऑडिट्स को रिपोर्ट्स को तैयार करेगा और उसके अंदर जो भी आपकी कमी है वो उसके अंदर लिखेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर टैक्स ऑडिट को करवाने से पहले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक बार जरूर गो थ्रू करना होगा कि आपने परचेज की एंट्री आपके सप्लायर्स के साथ आपके प्रॉपर स्टेटमेंट मैच होनी चाहिए, सेल के आपके कस्टमर के साथ स्टेटमेंट मैच होनी चाहिए, पेमेंट्स की एंट्री आपने प्रॉपर रूल्स के साथ करी हो, एक्सपेंसिस की एंट्री भी आपने रूल्स के अकॉर्डिंग करी हो, तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से चेक करनी होगी, उसके दौरान CA लोग जो टैक्स ऑडिट के अंदर ये सारी अपनी रिपोर्ट्स है जो करते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट करवाने की लायबिलिटी बनती किसकी है, तो इसके अंदर सेक्शन आती है 44AB की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा बिजनेसमैन यानी कि ऐसी कोई भी बिजनेस जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ या ज़्यादा है तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है, यानी कि उसकी जो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको टैक्स ऑडिट CA लोगों से करवानी, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसको मेंटेन करना कंपलसरी है और वो CA लोग है जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर अच्छी तरीके से चेक करेंगे। उसके बाद हमने एक यहाँ पे एक लिमिट लिखी हुई है 3 करोड़, इसके ऊपर हमने बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम डिस्कस करते हैं 10 करोड़ के बारे में। तो अभी हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया था, अगर आपकी बिजनेस की जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है, अगर 1 करोड़ से कम है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरी नहीं है। अगर एक कंडीशन यहाँ पर यह भी आती है भी अगर आपकी कंपनी बिजनेसमैन की जो टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट करवाने की लायबिलिटी नहीं है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, टैक्स ऑडिट करवाने की लायबिलिटी आपकी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लागू होती है। अब कंडीशन ये लागू होती है कि आपने जितने भी टर्नओवर करी है उसके अंदर आपकी बिजनेस के अंदर 95% जो लेन देन है पेमेंट्स का और रिसिप्ट का वो आपका
बैंकिंग चैनल के माध्यम से होना चाहिए, यानी कि डिजिटल पेमेंट आपके पास आनी चाहिए और डिजिटल ही जानी चाहिए। केवल 5% या 5% से कम कैश ट्रांजैक्शन ही इसके अंदर अलाउ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपकी बिजनेस की टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकानदार हो और आपने 100 लोगों को एक एक रुपए का सभी को सामान बेचे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास में 95% या 96% लोग, यानी कि 96 लोग आपको एक एक रुपया बैंक के अंदर देंगे, यानी कि आपको डिजिटल पेमेंट के थ्रू पेमेंट है जो ट्रांसफर करेंगे, बैंक के अंदर आपको वो पैसा आएगा 95 रुपये या 96 रुपये। उसके बाद में जो 5 रुपये या जो 4 रुपये जो बच गया वो आपके पास कैश आ सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो आपको टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी नहीं बनती है। तो ये सेम कहानी आपके ऊपर परचेज की कंडीशन के अंदर भी लागू होती है, खर्चों की कंडीशन में भी लागू होती है। यानी कि आपने कोई खर्चा किया है तो उस खर्चे का पेमेंट भी आपने कैश के अंदर 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परचेज करिए तो आपने अपने सप्लायर्स को 95% की जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटल पेमेंट होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी कंपनी के ऊपर 10 करोड़ की टैक्स तक आप छूट है। आप यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपनी ITR फाइल कर सकते हो, टैक्स ऑडिट से आप बाहर हो इस कंडीशन के अंदर। ये हमारी बात हो रही है केवल बिजनेस की, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर एक चीज और भी लिखी थी 3 करोड़ की। अब ये 3 करोड़ की कहानी अब आपके ऊपर कब लागू होगी, ये आपके ऊपर लागू होगी 44AD के अंदर। और अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे टैक्स ऑडिट की 44AB की। अब AD के अंदर आपकी कहानी क्या स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर आपकी बिजनेस की टर्नओवर 3 करोड़ है, ठीक है ना, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर आप टैक्स ऑडिट करवाने की आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कंडीशंस अप्लाई होती है भी आप अपनी जितना भी आपका टर्नओवर है तो उसका आपको 6% या 8% आपको अपना प्रॉफिट है जो डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब 6% किस कंडीशन के अंदर रहेगा कि आपकी जो 3 करोड़ के अंदर 95% जो ट्रांजेक्शन्स है पेमेंट और रिसिप्ट के वो डिजिटल होनी चाहिए, यानी कि बैंकिंग चैनल के माध्यम से होनी चाहिए। केवल 5% या 5% से कम है वो कैश ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने टोटल टर्नओवर का 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करके आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने से और टैक्स ऑडिट करवाने से आप बच सकते हो। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने बिजनेस पर्पज से मेंटेन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अब आपके ऊपर CA लोग कोई प्रेशर नहीं करेंगे भी आप हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी चेक करेंगे। और 8% अगर आप इससे बाहर हो जाते हो, तो अगर आपके कैश ट्रांजेक्शन 6% ही है तो आप इस रूल से बाहर हो जाओगे। जैसा अभी हमने यहाँ पे बात किया था 10 करोड़ का और 1 करोड़ का, अब यहाँ 10 करोड़ था, अगर आप यहाँ पे 5% की बजाय अगर 6% आपने यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन कर दी तो आप इस 1 करोड़ वाली लिमिट्स के अंदर आ जाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 44AD की, यानी कि आप यहाँ पर टैक्स है जो 6% या 8% डिक्लेयर करके आप अपने टैक्स ऑडिट से बच सकते हो। अगर आप अपनी बिजनेस का प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हो उसे, तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की जो लायबिलिटी है वो यहाँ पर बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको 44AB और 44AD के अंदर आपको ध्यान में रखना है 6% आपको अपन 6% इससे ज़्यादा हो सकता है 8% और कम से कम 6% इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। कम होती है आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको वो प्रॉपर सेम वही चीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपको मेंटेन करनी होगी और CA लोग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी प्रॉपर सही तरीके से चेक भी करेंगे। और उसके बाद हमारी एक लिमिट आई थी यहाँ पर 44ADA, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति के अंदर 44AD के अंदर क्या होगा, अब 44ADA के अंदर आएंगे प्रोफेशनल्स। अब इसके अंदर क्या होगा, लिमिट्स रहेगी आपकी 75 लाख और 50 लाख। अब ऐसी स्थिति के अंदर भी आपके ऊपर यहाँ पर भी कंडीशंस लागू होती है कि आपकी अगर टोटल ग्रॉस रिसिप्ट 75 लाख रुपए तक है और आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन आपके बैंकिंग चैनल से आई है वो 95% होनी चाहिए और 5% आपकी कैश होनी चाहिए, तो आपको जो छूट मिलेगी वो 75 लाख तक। अगर आपके पास इस सीमा से अगर आप बाहर हो, 6% आपकी कैश है और 94 भले ही आपकी डिजिटल हो,
तो आपको जो छूट मिलने वाली है वो आपकी 50 लाख तक है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो इनकम है, आपका जो सॉरी प्रॉफिट है, वो आपका 50% अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का डिक्लेयर करना होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके ऊपर फिर टैक्स ऑडिट की जो लायबिलिटी है वो नहीं बनती है। अगर आप अपना प्रॉफिट 50% ना दिखा के इससे कम दिखाना चाहते हो आप, ठीक है ना, लेस देन दिखाना चाहते हो, तो फिर आपके ऊपर सेम वही कहानी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे और CA से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। तो ये थी हमारी 44AB की लिमिट्स, 1 करोड़ की और 10 करोड़ की। 1 करोड़ का मतलब आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो 6% 5% से ज़्यादा की होती है कैश से, चाहे वो 95% भी क्यों ना हो, 99% भी क्यों ना होती हो, तो आपकी लिमिट बिजनेस की वो 1 करोड़ है। अगर आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन 95% या इससे ज़्यादा होती है, कैश ट्रांजेक्शन 5% या 5% से कम होती है, तो अगर आपकी बिजनेस की टर्नओवर 10 करोड़ है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। और 44ADA के अंदर जो प्रोफेशनल लोग हैं वो 75 लाख, अगर वो उनकी जो ग्रोस रिसिप्ट है वो 95% बैंकिंग चैनल के माध्यम से आई हो और 5% कैश के माध्यम, तो उनको 75 लाख रुपए तक की छूट है टैक्स ऑडिट से, और 50 लाख अगर इस स्थिति से बाहर है, और इनकम उनको अपनी ग्रोस रिसिप्ट से टोटल जितनी भी इनकी रिसिप्ट है उसका 50% उनको डिक्लेयर करना पड़ता है अगर वो टैक्स ऑडिट से बचना चाहते हैं तो। अगर वो अपना प्रॉफिट कम डिक्लेयर करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके ऊपर भी टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी बन जाती है, जैसा अभी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था 44AD का। अगर वो अपना इनकम मिनिमम इनकम जो इनका क्राइटेरिया एरिया है 6% या 8% इससे ज़्यादा दिखाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कम दिखाते ही इनके ऊपर भी टैक्स ऑडिट की जो लायबिलिटी है वो बन जाती है। आई होप इससे आपके सब सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।